देश में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखौटा पहनकर चर्चा की, क्या कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें आश्वासन दिया कि वह सुझावों के लिए खुले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री मुझसे बात कर सकता है और सुझाव दे सकता है। कोविड-19 पर हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। इस चर्चा में कई अन्य मुख्यमंत्रियों को भी मास्क पहने देखा गया। महामारी ने पूरे भारत में 7400 से अधिक लोगों को प्रभावित किया है और अब तक 239 लोगों की मौत हो गई है। यह तीसरी बार है जब पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम से संवाद किया है। मंगलवार को उन्होंने मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिया कि क्या 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 3 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। ओडिशा और पंजाब ने पहले ही लॉकडाउन टोल को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, जबकि कई अन्य राज्यों ने कहा है कि वे लॉकडाउन का विस्तार करना चाहते हैं। सरकार जीवन और आजीविका के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारत में लॉकडाउन से हजारों श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया है। जबकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच चिकित्सा बुनियादी ढांचा तनाव में है। बैठक में आगे पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 कोविड-19 हॉटस्पॉट और कलसेट में कुल लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया, जहां सकारात्मक मामले सामने आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया था कि वे उन परिवारों के लिए नगद हस्तांतरण की मांग करें जो तालाबंदी की मार झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSNL न्यूज। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।